नमस्कार, मैं पवन कुशवाहा। हमारे खास कार्यक्रम विशेष में आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। भारत में वैसे तो कई खेल खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट को अन्य खेलों के मुकाबले ज़्यादा ही पसंद किया जाता है। भारत में कई महान क्रिकेट खिलाड़ियों ने जन्म लेकर भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुँचाया है। उन्हीं महान खिलाड़ियों में से एक हैं भारतीय टीम में शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाले महेंद्र सिंह धोनी, जिनका आज जन्मदिन है। धोनी झारखंड की रांची में 7 जुलाई 1981 को जन्मे थे। पिता पान सिंह धोनी और माँ देव की देवी थी। सामान्य परिवार से, मगर बेटे को हर काम करने के लिए जो धोनी को पसंद था वह छूट थी। भारतीय क्रिकेट के स्टार विकेट कीपर को खेलों की रुचि तो बचपन से ही थी। अपने पसंदीदा खेल के रूप में उन्होंने पहले फुटबॉल को चुना, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोच ठाकुर ने फुटबॉल के इस गोलकीपर को क्रिकेट का विकेट कीपर बनने की सलाह दे डाली, जिसे धोनी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। खेल के प्रति अपने जुनून और अच्छे खेल से रणजी ट्रॉफी मैचों में पदार्पण हो गया और शानदार प्रदर्शन की बदौलत उनका भारतीय टीम में 2004 में कप्तान सौरभ गांगुली की अगुवाई वाली टीम में सिलेक्शन हो गया और इस तरह 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का अवसर मिला। तभी से भारतीय क्रिकेट में लंबा सफर कर कई वर्ल्ड कप बनाए हैं। भारतीय क्रिकेट के कैप्टन कूल के टीम ने अपनी शुरुआती दौर में जगह बना ली और कुछ वक्त के बाद पाकिस्तानी दौरे पर शानदार प्रदर्शन कर पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ तक को अपना दीवाना बना लिया था। भारतीय क्रिकेट के माही ने वनडे मैचों में 10 शतकों के साथ 73 अर्धशतक भी बनाए हैं तो टेस्ट क्रिकेट में 6 शतक बनाकर कई मैच जिताने वाली पारियां खेली हैं। सन 2007 में भारतीय टीम को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया तो 2011 में अपने जीवन का सबसे यादगार प्रदर्शन कर भारत को 28 साल के लंबे इंतजार के बाद विश्व विजेता बनाकर भारत में सबसे सफल कप्तानों की सूची में शामिल हो गए। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी 2020 विश्व कप विजेता, अंतर्राष्ट्रीय वनडे विश्व कप विजेता के साथ ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने वाले विश्व के एकमात्र कप्तान भी हैं। क्रिकेट की दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, अपने अंदाज से हेलीकॉप्टर शॉट खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी को भारत सरकार ने पद्मश्री के साथ राजीव गांधी खेल रत्न जैसे सम्मानों से भी नवाजा है। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर धोनी का भारतीय क्रिकेट में तब उदय हुआ था जब सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ियों के बीच अपनी जगह बनाने की चुनौती थी। धोनी भारतीय क्रिकेट को 28 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान के रूप में खुद को साबित कर महानता के श्रेष्ठ उदाहरण हो गए। सौरभ गांगुली ने भारतीय क्रिकेट को बताया कि आंखों में आंखें डालकर विपक्षी टीम के साथ कैसे खेला जाता है, तो दूसरी ओर धोनी ने बताया कि आंखें दिखाकर विपक्षी टीम को पस्त कर कैसे हराया जाता है। धोनी भारतीय क्रिकेट जगत में उस महान कप्तान के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे जिसने कपिल देव के 1983 के बाद सन 2007 में 2020 का पहला तो सन 2011 में वर्ल्ड कप जीतने का श्रेय अपने नाम किया। विकेट कीपर के रूप में टीम में आने वाले धोनी ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के चलते टीम में जगह बनाकर एक सफल कप्तान के रूप में लंबा सफर तय किया है। उनके चाहने वाले क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा बसे रहेंगे। 2014 में टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 4 जनवरी 2017 भारतीय टीम की एक दिवसीय मैचों की और T20 टीम की कप्तानी छोड़ी और 15 अगस्त 2020 को क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। इनके इस फैसले से उनके चाहने वाले स्तब्ध रह गए। विश्व क्रिकेट के इस महान खिलाड़ी पर यह था हमारा खास कार्यक्रम विशेष, और मिलते हैं ऐसे ही किसी महान हस्ती के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।